गुरु कृपा संस्थान एवं अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला व खेल महोत्सव आयोजन 2020 की शुरुआत भव्य मशाल जुलूस के साथ हुई। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत लोग जोश जज्बे और जुनून के साथ हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम और भारत माता की जय के गगनभेदी नारे लगा रहे थे। हरिओम नगर तिराहा से निकले मशाल जुलूस व तिरंगे चेतना यात्री की भव्यता को सभी ने सराहा। इस संबंध में मेले के आयोजक ब्रिजेश राम त्रिपाठी ने बताया कि 16 दिसंबर को भारतीय सेना अपना विजय दिवस मनाती है। शौर्यता के इस महापर्व को और भव्य बनाते हुए हम सभी राष्ट्रभक्तों में तिरंगा लेकर देश की सीमा पर डटे जवानों का उत्साह वर्धन करते हुए वीर शहीदों को नमन करते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी मशाल जुलूस व तिरंगा चेतना यात्रा हरिओम नगर तिराहा से शुरू होकर इंदिरा बाल विहार कचहरी चौक होते हुए गोलघर काली मंदिर पटेल चौक की मूर्ति के समक्ष पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान दुर्गा राय सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य आर्यन गुप्ता, राजेश चंद कौशिक, रमेश चंद्र त्रिपाठी, प्रेमनाथ सहित अभिषेक सिंह, अर्चना सिंह, चंचला शुक्ला, मीरा दुबे, मंजू त्रिपाठी, मीनू गोयल, दीपा पांडे, सुनीता गुप्ता, मीना श्रीवास्तव, चंदा सिन्हा, शीला सिंह, ममता श्रीवास्तव, शकुंतला जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मेले के आयोजक ब्रिजेश राम त्रिपाठी और गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अजय शुक्ला ने कहा। ब्रिजेश राम त्रिपाठी, कार्यक्रम संयोजक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव आयोजन समिति। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव आयोजन समिति पिछले 11 वर्षों से देश के उन क्रांतिकारियों, बलिदानियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के याद में मेला लगाता है जिन्होंने स्वतंत्रता की आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दिया था। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध गोरखपुर से है, जिनको ब्रितानी हुकूमत ने 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में फांसी पर लटकाया था। और राम प्रसाद बिस्मिल देश के ऐसे सेनानी थे, योद्धा थे, जिन्होंने मौत को चुनौती देते हुए कहा था, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। इस भारतवर्ष में सतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकार कर्म हो। मरते बिस्मिल रोशन लहरी, अशफाक अत्याचार से होंगे सैकड़ों पैदा उनकी रुधिर की धार से। तो उनके याद में ये 11 दिन का चलने वाला बिस्मिल का मेला आज मशाल जुलूस से प्रारंभ हो रहा है, जो 25 दिसंबर तक चलेगा। हरिओम नगर तिराहे से निकलकर इंदिरा बाल विहार होते हुए कचहरी चौक से यूटर्न लेकर पटेल जी की मूर्ति के समक्ष गोलघर काली मंदिर पर जाकर संपन्न होगा। आज़ादी के एकता और अखंडता के प्रतीक
सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम नमन करते हुए इस जुलूस का समापन करेंगे। मैं प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ला हूँ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में। देखिए, ये बहुत बड़ा हुजूम जो आपको देखने को मिल रहा है, ये मशाल जुलूस है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल खेल उत्सव कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है, जिसमें शहर के जितने भी युवा और गणमान्य लोग हैं शामिल हो रहे हैं। ये कार्यक्रम लगातार 25 तारीख तक चलेगा और हम इसके माध्यम से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को और दूसरे क्रांतिकारियों को भी याद करेंगे, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था।